दिल्ली रोड पर पीजीआई के नजदीक स्थित एक क्लब में देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। नकाब पहने लगभग दो दर्जन बदमाशों ने क्लब में घुसकर खूब तोड़फोड़ की। लोहे की रॉड व डंडों से क्लब संचालक के दोस्त से मारपीट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात की कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है। ये सारी तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेडिकल मोड पर स्थित इपोला क्लब संचालक लोकेश गुलिया ने बताया कि कल दोपहर करीब आधा दर्जन युवक क्लब में आए थे। उनका व्यवहार सही नहीं था, जिस दौरान उनके साथ कहाव सुनी हो गई थी। मामूली बहस के बाद उन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया था, लेकिन रात करीब 8 बजे वही युवक अपने साथियों के साथ लाठी डंडों और रॉड के साथ क्लब में घुस आए। कुछ बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन कुछ युवकों की पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि जब बदमाश भीतर घुसे तो रिसेप्शन काउंटर पर बैठे उनके दोस्त गौरव के साथ डंडों से मारपीट की गई। गौरव के घायल होने के बाद उस पर गोली से फायर भी किया गया। गौरव को देर रात गंभीर हालत में पीजीआई भर्ती कराया गया। हाथ फ्रैक्चर होने के अलावा सिर में चोट आई है। बदमाशों की तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि बदमाश काउंटर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। होटल संचालक ने बताया कि बदमाशों ने फैमिली लाउंज में रखी मेज, कुर्सी, एलईडी, लैपटॉप, कांच का सामान आदि को पूरा तहस नहस कर दिया। डंडों के साथ सीसीटीवी डीवीआर को भी तोड़ दिया। सड़क पर खड़ी उनकी गाड़ी को भी बदमाशों ने डंडों से निशाना बनाया। लोकेश के अनुसार क्लब में लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई काफी मुश्किल होगी। फिलहाल लोकेश व उनका पूरा स्टाफ डर के साए में है। घटनाक्रम के वक्त लाउंज में महिलाएं और फैमिली भी बैठी थी। लोकेश का आरोप है कि शहर में इस तरह की खुलेआम बदमाशों का आतंक भय का माहौल पैदा कर रहा है। उनके क्लब में महज 100 मीटर दूरी पर चौकी स्थित है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। फिलहाल उन्होंने पुलिस को एक शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान के बावजूद अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी के कैमरे में कैद है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सर ये 2 बजे की बात है, अराउंड 2:15 बजे की बात है, जिसमें वो लोग आए हुए थे, एक पार्टी के अंदर थे, वो 5-6 लोग थे, लेकिन उनका जो बिहेव था ठीक नहीं था। बाकी जो मेरी टेबल थी, फैमिली टेबल थी, जो जिसमें एक मेरी यहाँ पे फेयरवेल पार्टी चल रही थी, ओनली फॉर गर्ल्स पार्टी थी, उसके अंदर बार बार एंटर कर रहे थे वो, जहाँ पे उनका जाना, जहाँ पे उनको परमिशन नहीं थी, अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे। हम बार बार फिर भी जा रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज पे उतर गए थे। बट उस टाइम मैंने बड़ी कोशिश करके, बीच बचाव करके उन लोगों को भेज दिया। उसके बाद वो लोग वापस 8 बजे के अराउंड आए और 20 से 25 लोग थे, उनके पास रोड, हथियार और डंडे वगैरह थे, और आते ही उन्होंने सीधा ऊपर घुसे, प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की। और गौरव उस टाइम पे रिसेप्शन फ्रंट डेस्क पे बैठा था, उसके काफ़ी चोट है सर। मैं एक्चुअली उस टाइम पे हम कोई भी नहीं थे, और इतनी तोड़फोड़ थी ना प्रॉपर्टी में, इतनी आवाज़ें आ रही थी शीशों की इसकी, मैं अंदर सो रहा था जब ये स्नैरियो हुआ। बट जैसे ही बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा चोट थी, गौरव काफ़ी ब्लीडिंग थी, और उसके बाद हम जैसे लेके गए, मैं साथ नहीं जा पाया, यहाँ काफ़ी सारे लोग थे, मेरा रहना यहीं ज़रूरी था। गौरव को मेरी फैमिली बाकी लेके गई, दोस्त लेके गए, तो फिर मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया कि डॉक्टर को कतियाल जो ऑपरेट कर रहे थे कि भाई गोली ऐसे लगी हुई है, तो फिर गोली सर्च करी, मिली नहीं, फिर उन पता लगा कि भाई टच करके निकल गई। सिर में अराउंड 40 स्टिच हैं गौरव के ना, अबव 40, और राइट हैंड पे फ्रैक्चर है, और फिंगर फ्रैक्चर है लेफ्ट राइट दोनों पे, और काफ़ी चोट। हाँ, पहचान होगी, हमने आईडी भी दी हैं, कुछ होगी जिन कुछ लोगों की, हमारे पास आईडी थी, क्योंकि हम स्टैग पार्टी करते हैं तो हम पहले आईडी लेते हैं इन लोगों की, और जो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, जो जो हमारे पास नाम थे, हमने बता दिया, 5-6 लोगों की पता था, बट अदरवाइज वो लोग थे 20 से 22 लोग थे। पैनिक तो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और बिजनेस के अकॉर्डिंग भी पैनिक है, बिजनेस की तरफ से ज़्यादा पैनिक है, और सबसे बड़ा तो गौरव के साथ ये जो हुआ, और स्टाफ भी सहमा हुआ है। तो प्रॉपर्टी में मेरा अराउंड बात करें 10 से 15 लाख रुपए का लॉस है। मेरी पूरी गाड़ी क्रैश कर दी उन्होंने, पूरी गाड़ी तोड़ रखी है। सबसे पहले गाड़ी तोड़ी, फिर ग्लास टूटे हुए हैं, काफ़ी सारी क्रोकरी टूटी है, लैपटॉप टूटा हुआ है, मेरा प्रोसेसर टूटा हुआ है, डीवीआर, एलईडी, काफ़ी चीज़ें हैं। जो सिविल लाइन थाना पुलिस के जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार का कहना कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगभग 20 लड़के इस घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। फिलहाल विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑलरेडी यही शिकायत दी है भाई, लगभग 4-5 बजे कुछ लड़के थे वो कमेंट कर रहे थे, यहाँ पार्टी चल रही थी, वो होटल में आए हुए थे, वो कमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने उन लड़कों ने इनको धमकी दिया। तो फिर कुछ ही लगभग 8 बजे के बाद ये कई लड़के पर जो बोल रहे हैं 20 लड़के, लगभग 20 इससे ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आए और उन्होंने इसके तोड़ फोड़ की, मार पिटाई की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सर अभी तो दो ये 148, 149, 323, 307, 452, 506 अभी और अगर बनेंगे तो ईजाद कर देंगे। ये तो 100 लड़के अभी कुछों के नाम सामने आए हैं जो FIR में भी नाम दर्शाए गए हैं, शायद 1-2 दिन में सभी को गिरफ्तार कर लेंगे अभी पुलिस। जगत महान, न्यूज की रिपोर्ट।